कांग्रेस के अनेक नेताओं के परिवारजनों के कर्जे माफ़ किए गए हैं। जो मानक था कि 5 एकड़ से कम भूमि हो और 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ किए जाएंगे, उन मानकों को भी तोड़ा गया है। कुछ उदाहरण पंजाब और राजस्थान के आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वयं ये बात कही है कि अब इसकी जांच की ज़रूरत पड़ गई है। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के कर्ज 3 लाख रुपए भी माफ़ किए गए हैं। पंजाब में कुछ विशेष नाम उभर कर के आए हैं, जिनके पास 18 एकड़ ज़मीन है, उनका कर्ज भी माफ़ किया गया है। ये विवरण है, आप चाहें तो मैं नाम भी दे सकता हूँ। तो ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पहली बार जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय भी कुल कर्जा 6 लाख करोड़ का था, जिसमें महज 60 हज़ार करोड़ रुपया माफ़ किया गया था। और विदर्भ, जहाँ सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, वहाँ उन्होंने बड़ा दावा किया था कि हमने किसानों के सारे कर्ज माफ़ कर दिए हैं, लेकिन आज वो एक बड़ा घोटाला बन गया है और उसकी जांच अभी भी जारी है। तो मोटे तौर पर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का ये जो सिलसिला है, ये ख़ास तौर से वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष की फितरत में है। आज वो अमेठी के दौरे पर थे और वहाँ कांग्रेस उनकी की बात वो कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं का हनन करते हुए प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे थे, और बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे कि झूठे वायदे करते हो और ऋण माफ़ी की झूठी घोषणा करते हो, ये क्रूर मजाक बनता जा रहा है। तो ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है, और अब देश की जनता या जिन राज्यों में उन्होंने इसी आधार पर विजय पाई है, वहाँ लोग समझ रहे हैं कि ये एक धोखा था। तो कांग्रेस का ये पुराना चरित्र है कि वो नारा देती है, वोट लेती है, और वोट मिल जाने के बाद किसी भी घोषणा पर काम नहीं करती, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो। इन तीनों राज्यों में किसानों की हालत बड़ी ख़राब है, आत्महत्याओं का बेअंत सिलसिला बढ़ता जा रहा है, और विधानसभा के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, सरकारी आंकड़ा दिया कि 800 किसानों का हम कर्ज माफ़ किए हैं, जबकि चुनाव के पूर्व श्री कुमार स्वामी ने किसान संगठनों से सभी प्रकार के ऋण माफ़ करने का वायदा किया था। अनेक किसानों की गिरफ्तारी भी कर्नाटक में हुई, ये तथ्य आप जानते हैं। मध्य प्रदेश में 2009 के बाद और 31 मार्च 2018 के पहले लिए गए किसानों के फसली ऋण को माफ करने का वायदा किया गया था। 45 वर्षीय अस्तरिया गांव के एक आदिवासी किसान ने अभी फांसी लगा करके आत्महत्या की है, और सुबह 7 बजे उसका शव खेत में एक पेड़ पर पाया गया। राजस्थान में विशेष रूप से डूंगरपुर के गोवाड़ी, नांदोर, जेठना समेत कई गांवों में कर्ज माफ किए गए किसानों की सूची दिखाई गई, जिसमें वास्तव में कर्ज लेने वाले किसानों का नाम ही नहीं है, कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम उसमें शामिल किए गए हैं।